बिग बॉस सीजन 16 के घर में यूं तो कंटेस्टेंट अपने गेम पर फोकस रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी गलती के कारण इन्हें बड़ा हर्जाना पे करना पड़ता है। जी हाँ, घर वालों से 25 लाख की प्राइस मनी डिडक्ट हो चुकी थी। वेल, अब घर वालों के पास मौका था 25 लाख को कमाने का, लेकिन लग रहा है कि घर वाले सीरियस ही नहीं थे। वेल, कल बिग बॉस ने टास्क दिया था जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस उन्हें जमा करने थे। वेल, जो भी कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस जमा करता उसके पास ऑप्शन आता कि या तो वो कैप्टन की दावेदारी हासिल करे या फिर 25 लाख कमाने के लिए एक और पासपोर्ट हासिल करे। मैं आपको बता दें कि सबसे पहले सुम्बुल आती हैं और सुम्बुल दावेदारी चुन लेती हैं, जिस पर ढेर सारा हंगामा होता है। जी हाँ, अर्चना और प्रियंका चढ़ जाती हैं सुम्बुल पर और सुम्बुल को बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती हैं। वेल, इसके तुरंत बाद ही अंकित जो हैं, यानी कि उन्हीं के ग्रुप के, वो भी दावेदारी के लिए हामी भर देते हैं। वेल, जिसके बाद प्रियंका और शालीन भी दावेदारी की लिस्ट में आ जाते हैं और टोटल मिलाकर केवल दो ही लोग पासपोर्ट के लिए हामी भरते हैं, जो है शिव और सौंदर्या। जी हाँ, शिव और सौंदर्या के कारण दो पासपोर्ट तो मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के बचे पासपोर्ट अभी भी रह जाते हैं, जिसके कारण ये 25 लाख एक बार फिर से उनसे काफी ज्यादा दूर हो चुके हैं। और अब लग रहा है कि शायद ही बिग बॉस ये टास्क दोबारा दें कि वो अपनी प्राइस मनी को रिकवर कर सकें। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।